नमस्कार, स्वागत है आपका। कर्नाटक चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 2023 का ये मुकाबला 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। तो सवाल यह है कि राहुल गांधी से जुड़ा सियासी नाटक क्या कर्नाटक का चुनावी रण है? क्या पिछले कुछ दिनों में देश ने जो देखा वो सब कुछ कर्नाटक चुनाव के लिए हो रहा था? क्या कर्नाटक चुनाव से पहले राहुल गांधी को जान पूछ कर फंसाया जा रहा था? क्या राहुल गांधी को मानहानि केस में 2 साल की सजा होना, लोकसभा से उनकी सदस्यता जाना, उनका घर खाली करवाना, ये सब कुछ बीजेपी या सरकार के इशारे पर हो रहा था? या फिर कांग्रेस चुनाव से पहले कोई विक्टिम कार्ड खेल रही है? आप लोगों के मन में ऐसे कई सवाल होंगे। तो क्या आज दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाए, बताइए, हाँ या ना? ओके। क्या आज देश की जनता और देश के 5 बड़े संपादकों के सामने हर सवाल का जवाब ले लिया जाए? तो चलिए बुलाते हैं हम एक ऐसी शख्सियत को जो संसद हो या बीजेपी मुख्यालय, सोशल मीडिया हो या टेलीविजन चैनल, हर जगह सरकार का पूरी ताकत से पक्ष रखते हैं और विपक्ष पर पुरजोर हमले करते हैं। TV9 के इस हाईटेक स्टूडियो में स्वागत है, स्वागत करिए जोरदार तालियों से, बीजेपी के लोकप्रिय प्रवक्ता, राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी का। सुधांशु जी, आपका स्वागत है, थैंक यू वेरी मच। हमारे सीनियर्स हमारे साथ यहां पर हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं अशोक वानखेड़े जी, मेरे साथ हैं प्रदीप जी, मेरे साथ आपको दिखाई दे रहे हैं जयंता घोषाल जी, आपको दिखाई दे रहे हैं राजगोपालन जी, बैठिए सर, प्लीज बैठिए, और आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर जयशंकर गुप्ता जी और अवधेश कुमार जी सामने हैं, आनंद जी मेरे साथ हैं, विपिन है, करुणा है। लेकिन सबसे पहले सुधांशु जी, अगर बात की जाए, सबसे पहले तो पंचों को राम राम। पंचों को राम राम, ये पंचों जो है इनके बाद बड़े पंची सवाल भी है वैसे, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कर्नाटक चुनाव पर मैं बात करूंगा, लेकिन पहले ये बताइए कि राहुल गांधी ने कहा कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और आप तो पूरी दुकान ही बंद करवाने पर आ गए। राहुल गांधी जी ने जो ये बोला था कि नफरत के बाजार में वो मोहब्बत की दुकान सजाने आए हैं, पर उस दुकान में सामान कौन कौन से थे? देखिए, केरल से शुरू हुए, केरल में सबसे पहले उनकी तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा में वो शख्स सम्मिलित हुआ जिसने सड़क पे बीफ पार्टी की थी। अब देखिए, केरल में वो फादर जोसेफ के घर पे नहीं गए जिसके हाथ काट दिए गए थे, वो तमिलनाडु में प्रवेश करते हैं तो फादर जॉर्ज पुनिया के घर पे जाते हैं, उसको साथ में लेते हैं, जो कहता है कि भारत की धरती इतनी अपवित्र है कि मैं जूता इसलिए पहनता हूं कि टच ना हो जाए। सोचिए, कर्नाटक में आते हैं तो उनका पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष कहता है हिंदू शब्द गंदा है, महाराष्ट्र में आते हैं तो वीर सावरकर के बारे में पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप नफरत बोलने लगते हैं, और गुजरात जाते तो नहीं है, बगल से गुजरते हैं तो गुजरात के प्रति नफरत की प्रतीक और गांधी विद गन्स, गांधियंस विद गन जैसी संज्ञा देने वाली मेधा पाटकर को साथ लेते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं जनाब, ये इतने जहर बुझे सामानों के द्वारा कौन सी मोहब्बत की दुकान सजा रहे थे? नहीं, लेकिन फिर अगर वो ये सब करेंगे तो क्या ये समझा जाए, वो ये सब करेंगे तो उनकी सदस्यता छीन ली जाएगी? नहीं, देखिए, बंगला खाली करा दिया जाएगा, सदस्यता ये बहुत टेक्निकल मामला था जी। अब देखिए, जैसे इसके दो एंगल हैं, एक है टेक्निकल और एक है पॉलिटिकल। अगर आप टेक्निकल देखें तो न्यायालय का निर्णय आ गया, अब न्यायालय का निर्णय आ गया तो सदस्यता जाना स्वाभाविक है। उदाहरण के लिए, अगर आपके चैनल में कोई व्यक्ति काम कर रहा है और किसी कारणवश उसकी अपॉइंटमेंट निरस्त हो जाता है तो फिर तो चैंबर भी खाली करना पड़ेगा ना। तो उसी प्रकार यदि आप कोई छात्र है जिसको कि प्रवेश मिल गया किसी विश्वविद्यालय में, अब मान लीजिए वो प्रवेश गलत पाया गया, वो रद्द हो गया प्रवेश, तो फिर छात्र छात्रावास में नहीं रह सकता, फिर तो छात्रावास भी खाली करना पड़ेगा, तो वो सांसद आवास है ना। तो इस कारण से ये पूरा टेक्निकल था, इस प्रोसेस के बाद ये इस प्रोसेस का। हाँ, अगर मॉरल की बात करें या पॉलिटिकल की बात करें तो हम ये कहना चाहते हैं कि राहुल जी, ये कौन सा अहंकार है? आप इंपॉर्टेंट एक बात कहूं, ओबीसी की एक पूरी की पूरी कम्युनिटी के बारे में ऐसा शब्द प्रयोग कर देना उस पार्टी के द्वारा जिस पार्टी ने ऑफिशियली कहा अपने नेता के बारे में कि ये जनेऊधारी ब्राह्मण है। मान्यवर कोई दूसरी पार्टी होती तो दलितों पिछड़ों के अलंबरदारों ने देश में आग लगा दी होती, आज सब मौन साधना में चले गए।
और मौन साधना में जाके मुखर होते हैं तो केवल न्यायालय के ऊपर। आप सोचिए इनका एजेंडा क्या है। तो वहां पे माफी मांग लेते हैं, पर क्यों माफी मांगेंगे साहब? वो तो देश के प्रति अपमान करके माफी नहीं मांगे, लोकतंत्र के प्रति अपमान करके माफी नहीं मांगे, साहब माफी क्यों मांगेंगे? साहेब आलम हैं, फर्जंद अंजुमन हैं, वली है सल्तनत हैं, माफी नहीं मांगते। सुधांशु जी, 10 मई को कर्नाटक में चुनाव है, 13 मई को रिजल्ट आने वाले हैं। 10 मई को चुनाव, 13 मई को रिजल्ट। उनका यह कहना है कि बंगला खाली करवाना, आप कोर्ट से सजा दिलवाना, सदस्यता छीन लेना, ये सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। इरादा जो है वो कर्नाटक चुनाव की तैयारी है। वैसे जिन लोगों को ये लगता है कि कर्नाटक चुनाव से राहुल गांधी जी का कोई संबंध है, तो अब आप ये देखिए, पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस को संयोगवश एक ही राज्य में सरकार बनी है, हिमाचल में 37,000 वोट के अंतर से, पर यही वो राज्य है जहां राहुल गांधी जी नहीं गए थे। तो आप ये सोचिए कि समस्या तो ये है कि राहुल गांधी जी के आने से कोई हमारे लिए समस्या होती हुई सोचना तो खाम ख्याली है। वो तो जिस राज्य में नहीं गए वहां कांग्रेस की संभावना फिर भी हो गई, और जिस राज्य में जाके जम के प्रचार कर देते हैं वहां तो सब कहानी खत्म हो जाती है। तो मुझे लगता है इसका कोई राजनीति से लेना देना नहीं है। अच्छा, लेकिन उनको एसपीजी सुरक्षा मिली हुई है आपकी पार्टी नहीं, उनको एसपीजी नहीं, Z+। आई स्टैंड करेक्ट, Z+। आपकी पार्टी के भी कई नेताओं को ये सुरक्षा दी गई है, और ऐसे में तो बंगला जो है वो तो मिलता ही है। जोशी जी को मिली हुई है Z+, आडवाणी जी को मिली हुई है Z+। हाँ देखिए, उनको सिर्फ Z+ नहीं है, मैं ही बता दूं, Z+ विद ASL। ASL होता है एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग, यानी जब आप जहां जाएंगे तो वहां पहले सिक्योरिटी पर्सनल्स पहुंच जाते हैं, उस पूरे जगह की सैनिटाइजिंग करते हैं, रास्ते के भी ऊपर नजर रखते हैं। ये वो सुरक्षा है जो भारत के गृह मंत्री को प्राप्त है, भारत के रक्षा मंत्री को प्राप्त है। सुरक्षा में हमने कोई कमी नहीं की। हाँ, जहां तक ये बात है कि कौन वहां पर सुरक्षा के कारण सरकारी बंगले में रहेंगे, किनके पास अपना, इसके कई सारे कारण होते हैं निर्णय लेने के। भाई किसी के पास दिल्ली में मकान नहीं है, कोई वृद्ध ज्यादा है जिसको कि ऐसी जगह पर रहना है जहां पर कि मेडिकल फैसिलिटी ज्यादा अवेलेबल हो, तो वो विषय तकनीकी है। इसीलिए मैंने कहा ना, पूर्णतः तकनीकी मामला है। मगर एक इंपॉर्टेंट बात है, ये मेरा मकान कैसे कहते हैं? ये सरकारी मकान है भाई। महत्वपूर्ण बात यह है कि देश मेरा है, पार्टी मेरी है, पद भी मेरा है और मकान भी मेरा है, इस सोच से बाहर आना चाहिए। अब ये 21वीं सदी का युवा भारत मेरा नहीं, सब कुछ देश का है, इस चीज पे विचार कर। लेकिन वो तो इसके ठीक उलट कहते हैं, वो कहते हैं कि कहां ये मेरा मकान है भैया, नेहरू गांधी परिवार ने तो अपनी पूरी संपत्ति देश के लिए दे दी। कौन सी संपत्ति? 3 मूर्ति भवन नहीं, सुनिए, आनंद भवन दिया था। पहले सवाल ये पूछिए कि अंग्रेजों के जमाने में इतनी संपत्ति अर्जित कैसे की थी भाई, करोड़ों रुपए का आनंद भवन दे दिया, करोड़ों रुपए कमाए कैसे, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है भाई। लेकिन मोतीलाल नेहरू बहुत बड़े बैरिस्टर थे। बहुत, अब यहां बहुत अच्छा आपने सवाल किया। देखिए, हमने एक किसी किताब में पढ़ा था, तो हम इसलिए एकदम दावा नहीं करते कि 1920 के आसपास मोहम्मद अली जिन्ना की जो इनकम थी, वो बहुत बड़े वकील थे, 4,000 रुपए पर डे थी उस जमाने में, और मोतीलाल नेहरू उनसे कहीं बड़े वकील थे। तो मैं पूछना चाहता हूं, उस जमाने में हजारों रुपए, मतलब उस जमाने का 4,000 तो आज का 4,00,000 से भी ज्यादा का हुआ, मतलब 40,00,000 मान लीजिए, ये इतना फीस कौन पे करता था? भारत तो गरीबी और भुखमरी के दौर में था, हम तो बंगाल का फेमाइन झेल रहे थे, बाकी चीजें झेल रहे थे, तो मुकदमे किसके लड़ रहे थे? अंग्रेज बहादुर के, प्रिवी काउंसिल तक जाके मुकदमे लड़ते थे, या राजे महाराजों के? और इसीलिए आपको शायद पता हो, एक बड़ा फेमस शेर है, आप लोगों ने जरूर सुना होगा, अकबर इलाहाबादी बड़े फेमस शायर हुआ, और इलाहाबाद के ही थे, यानी आज के प्रयागराज के। उन्होंने ये माना जाता है कि मोतीलाल नेहरू जी के लिए लिखा था कि कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, हुक्काम कहते हैं ऑफिसर को, कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, रंज लीडर को है बहुत मगर आराम के साथ। यानी दिन में प्रदर्शन होता था और शाम को अंग्रेज अफसरों के साथ डिनर होता था, तभी तो इतनी संपत्ति अर्जित हुई थी। लेकिन ये तो आरोप वो बकायदा अडानी के ऊपर लगाते हैं कि एकदम से इतनी संपत्ति कैसे अर्जित कर ली गई। अच्छा, जहां तक उन्होंने संपत्ति अर्जित करने की बात कहते हैं, तो हम सिर्फ एक सिंपल सी बात कहना चाहते हैं। ये बताइए, पिछले 6 महीने में अडानी ग्रुप को सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कहां मिला है? राजस्थान में, 60,000 करोड़ रुपए का, और राजस्थान सरकार ने पावर प्रोजेक्ट के लिए वो जमीन दी है सैकड़ों एकड़।
माइंस में सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कहां मिला है? छत्तीसगढ़ में 11,000 करोड़ रुपए का। अब आइए पोर्ट्स में, पहले महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार ने दिया था, अब जो है केरल की सरकार ने दिया है, जहां से निवर्तमान सांसद राहुल गांधी जी आते हैं। तो अब आप ये बताइए, अगर इतना गड़बड़ है तो कैंसिल क्यों नहीं कर देते भाई? एक तरफ कह रहे शेल कंपनियों से पैसा आ रहा है, भाई शेल कंपनियों से पैसा आ रहा है किसने कहा? सेबी ने बात, सेबी की बात पे मुझे भरोसा नहीं है, एलआईसी की बात पे भरोसा नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात पे भरोसा नहीं, फाइनेंस मिनिस्ट्री पे भरोसा नहीं, ठीक है मान लिया। तो भाई अगर आपको उनके भरोसे से ऊपर अपनी जानकारी लग रही है कांग्रेस पार्टी को, तो अपनी राज्य सरकारों को भी तो समझाओ। बस यही है, ऊपर ऊपर दिल्ली में आके चिल्लाना है और अपने राज्य में पीछे से इन्वेस्टमेंट लाना है। अच्छा ठीक है, अब क्योंकि हमने ये जिक्र किया है, एक सवाल बार बार आता है, वो सवाल ये जो राहुल गांधी बार बार रखते हैं वो ये है कि कांग्रेस ये कहती है कि पकड़ना चाहिए था नीरव मोदी को, ललित मोदी को, आप राहुल गांधी के पीछे पड़ गए। हाँ, जो आपने बात कही, ये जितने भी भ्रष्टाचार करके गए हुए लोग थे, मैं विनम्रता से और चुनौती से पूछता हूं, 26 मई 2014 से पहले एक केस हो इनके खिलाफ तो बता दें। केस भी हमने रजिस्टर्ड किए, हमने मुकदमे दर्ज किए, इनकी संपत्तियां सीज की, इंग्लैंड तक जाके इंग्लैंड की सरकार पे दबाव बनाया। और आपको पता है प्रधानमंत्री जी ने भी यह बात बोली कल, 22,000 करोड़ रुपए की ऐसे लोगों की संपत्तियां सीज की जा चुकी हैं। इनके जमाने में तो पासपोर्ट तक निकल के सब हो गया था। और अगर आपको याद हो, विजय माल्या का ऑफिशियल लेटर अवेलेबल है तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उनका सारा लोन रिजेक्ट कर दिया था, परंतु आपकी सिफारिश के कारण मुझे यह इतना लोन मिल गया। ये तो डॉक्यूमेंटेड है, इसमें कोई किंतु परंतु का स्कोप नहीं है। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि, और जैसे प्रधानमंत्री जी ने बताया, ईडी ने पिछले 9 साल में 1,10,000 करोड़ की संपत्तियां जब्त की, तो कार्रवाई हमने की है और लुटाई उन्होंने की थी। अच्छा, अगला सवाल मैं ले रहा हूं, और हमारे जो खास मेहमान हैं उसके बाद उनसे सवाल लूंगा, थोड़ा सा इसमें डिटेलिंग है। 7 फरवरी को राहुल संसद में भाषण देते हैं, अडानी और सरकार के रिश्ते पर सवाल पूछते हैं, उसके बाद गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री पुनेश मोदी यानी याचिकाकर्ता, जो पहले इस केस में स्टे ले चुके थे, वो स्टे वापस लेते हैं और फिर 30 दिन के अंदर 7 सुनवाइयां होती हैं, फटाफट फैसला आ जाता है, जिसमें राहुल गांधी को 2 साल की पूरी सजा होती है, पूरी सजा। कांग्रेस कह रही है सब कुछ साजिश है जो राहुल के भाषण के बाद रची गई, जो भाषण उन्होंने 7 फरवरी को दिया। वैसे तो एक बात बताएं आपको, राहुल गांधी जी ने कितने भाषण दिए, कब कब क्या क्या बोला और उसका क्या प्रभाव रहता, अगर आपको लगे कि एक भाषण से कुछ होने वाला है, तो मेरा तो व्यक्तिगत मानना है कि राहुल जी के भाषण से भाजपा को कम और कांग्रेस को नुकसान अधिक होता है, तो यह सोचना अनुचित लगता है। इससे पहले भी चलिए, यह सेशन आया, आप कहेंगे कि अडानी पे बोला, इससे पहले याद करिए, जब जब भारत में संसद का कोई सत्र शुरू होने वाला होता, आप सब लोग जाके चेक कर लीजिएगा, जब जब भारत में संसद का सत्र शुरू होने वाला होता है, ठीक 5-7-8 दिन पहले विदेश में कोई खबर छपती है, जैसे इस बार हुआ, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट छप गई, उससे पहले पेगासिस आ गया, उससे पहले किसान आंदोलन में ग्रेटा थनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, उधर से रिपोर्ट छपती है, इधर बवाल होता है, मतलब सुर उठता है 7 समुंदर पार से और ताल लगती है यहां से। इसलिए ये तो हमेशा से करते आ रहे हैं, इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं। और दूसरा, हम पूछना चाहते हैं, क्या कांग्रेस के नेता ये कहना चाहते हैं कि न्यायालय का न्यायिक विवेक यानी जुरिसप्रूडेंस ऑफ द कोर्ट वो कम है और उनकी समझ ज्यादा है? नहीं, लेकिन चाहे वो, नहीं, वो तो ये भी बोल चुके हैं सुधांशु जी, पारिवार की पृष्ठभूमि देखकर हो, अगस्ता हो, ये सारी रिपोर्ट्स तो बाहर से ही आई थी ना। और दूसरी बात, जिस केस में स्टे ले लिया गया है उस केस को फिर से रीओपन कर खटाखट सुनवाई हो जाती है, खटाखट पूरा फैसला आ जाता है। ये मैं देश में पहली बार सुन रहा हूं कि हमेशा लोग ये कहते थे कि साहब न्यायालय में विलंब बहुत होता है, वो पुराना फिल्म का डायलॉग याद है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, यहां तारीख तारीख जल्दी आती जा रही है तो समस्या है। ये तो मैं जीवन में पहली बार सुन रहा हूं। अरे भाई, जितनी जल्दी निस्तारण हो उतना अच्छा रहता है। सवाल तो यही है ना सर कि इस केस की तारीख इतनी जल्दी क्यों आ जाती है जिसपे स्टे ले लिया जाता है। बट नेवरदलेस, अशोक जी सवाल माइक है आपके पास। सुधांशु जी ने बहुत सारी बातें कही, अब सिलसिलेवार जितना उन्होंने समय लिया उतना तो समय में ले नहीं सकता। उन्होंने जितने भी आरोप लगाए कि कहाँ से कमाई हुई, प्रॉपर्टी कैसी खरीदी गई, ऐसे कई वकील बीजेपी के हैं कि वो भी बड़ी मल्टीनेशनल के साथ काम करते हैं, संसद सदस्य भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, उन मल्टीनेशनल को बहुत ज़्यादा फायदा भी पहुँचाया है, हम उसमें नहीं जाते। हम सीधी सीधी बात पेगासस पे आते हैं।
उनका कहना है कि पेगासस की खबर चुनाव के सदन के पहले क्यों होती है। पेगासस की खबर पहली बार तब नहीं छपी थी जब सदन लगने वाला था, बहुत पहले छपी थी, एक साल पहले छपी थी, उस पर काम हो रहा था। और वो जब खबर आई तो सरकार इतने दिन तक चुप क्यों रही, सर्वोच्च न्यायालय को इंटरवेंट क्यों करना पड़ा, आखिर में क्यों बोला गया कि चलो ठीक है पेगासस खरीदा है, किसके लिए खरीदा है ये मौन है। पत्रकारों का क्यों विजिलेंस किया गया, इस पर सारी चीजें अब कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके बाद भी। शेल कंपनी, शेल कंपनियां क्या होती है, ऐसी कौन सी कंपनी है कि जो इन्वेस्टमेंट करती है इंडियन कंपनी में लेकिन अपना जो टोटल कॉर्पस है उसमें से 98.9% एक ही इंडिया के कंपनी में लगाती है, बाकी कहीं इन्वेस्ट नहीं करती। उस कंपनी के बारे में पूछना जरूरी है, यह इन्वेस्टमेंट 13 कंपनी का हुआ है, 80,578 करोड़ रुपए अडानी कंपनी में लगे हैं, अडानी ग्रुप में लगे हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन है। सरकार उन कंपनियों में, हमारे प्रधानमंत्री तो विश्वगुरु है, मॉरिशियस बहुत छोटा देश है, उसे पूछना चाहिए कि ये कंपनी का बाप कौन है। अशोक जी सवाल एग्जैक्टली क्या है? सवाल मेरा ये है कि शेल कंपनियां है, आप सेबी ने क्लीन चिट दी कह के बोल नहीं सकते कि इसमें शेल कंपनियों का पैसा नहीं है। इसी सरकार ने 2018 में शेल कंपनियों के लिए कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने अभी तक कुछ काम नहीं किया। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। वो कहने का प्रयास कर रहे हैं कि शेल कंपनियां हैं, मानना है, मगर सेबी का कह के आप नहीं बच सकते। मतलब मैं बीमार हूं, मैं डॉक्टर ने कहा आप ठीक है, तो डॉक्टर से कह के बच नहीं सकते साहब, बीमारी तो है, इसीलिए कहा जाता है। बीमार हो तो जानवरों के डॉक्टर के पास नहीं जाओगे आप, मान्यवर, या पीएचडी के पास नहीं जाओगे। सेबी इज नॉट लुकिंग इन टू द शेल इन्वेस्टमेंट, द शेल इन्वेस्टमेंट हैज टू बी लुक्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। इसमें ईडी आनी चाहिए, इसमें रॉ भी होना चाहिए, क्योंकि बाहर के देश का पैसा अपने देश में आया, कौन सा पैसा है, चाइना का है, पाकिस्तान का है, ड्रग मनी है, आतंकी मनी है, नोबडी नोज। फिर मैं आपसे आपकी बात को और स्पष्ट किया देता हूं। आपने कहा अगर सेबी ने प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में कोई चीज नहीं पाई तो ईडी में चले जाइए, मतलब आपका ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल। सर अपने बेटर में आप सब्जेक्ट बदल रहे हैं। मैं सब्जेक्ट नहीं बदल रहा हूं। अशोक जी एक मिनट सुन लेते हैं, शेल कंपनी पे सेबी की बात नहीं सही है। स्कोप क्या था सेबी? अरे भाई कोई चीज गलत होगी, जवाब सुन लेते हैं अशोक जी, एक सेकंड जवाब, माना जाएगा गलत। और अगर आप ऐसा बात कह रहे हैं देश में, तो सर एक और कंपनी है, बैक हॉप्स का नाम सुना है? कौन है ये कंपनी, कौन है इसका डायरेक्टर कौन? वो भी शेल कंपनी हो सकती है। मान्यवर शेल नहीं है, ये वो कंपनी जिसमें राहुल गांधी जी डायरेक्टर हैं, ये ब्रिटिश कंपनी है। तो मैं शेल कंपनी बोल रहा हूं, मैं इसलिए बात कहना चाहता हूं, मैं शेल कंपनी बोल रहा हूं। मैं सर शेल नहीं है वो, तो अरे शेल कंपनी में राहुल गांधी को डायरेक्टर बोल देंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। नहीं तो ये आपको इन्वेस्टिगेशन करना होगा, मैं राहुल गांधी को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा हूं, बात नहीं कह रहा हूं मैं, डिफेंड करने अभी दादा एक मिनट जवाब सुन लेते हैं। अशोक जी हम एक मिनट अडानी, अच्छा एक बार आप पूरी बात बोल लीजिए, अडानी में लगे हुए इन 13-14 कंपनी का पैसे का सोर्स जानना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। ठीक है एक मिनट, अब राहुल गांधी जी डायरेक्टर, एक मिनट सुधांशु जी, सवाल यह है कि जो इन्वेस्टिगेशन है सेबी का दायरा लिमिटेड है, उसमें और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज आनी चाहिए, शायद ईडी आनी चाहिए, मे बी सीबीआई आनी चाहिए या रॉ आनी चाहिए, वो इन्वेस्टिगेशन इस दिशा में क्यों नहीं होने, सीबीआई या ईडी आना चाहिए? अब बिल्कुल बताते हैं, देखिए अगर आप बिल्कुल टेक्निकली देखें तो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन सेबी करेगी, या फिर LIC कहे मेरा इन्वेस्टमेंट डूब रहा है, SBI कहे कि साहब मेरे पार्ट पे गलती हो रही है, शेयर मार्केट का रेगुलेटर कहे कि शेयर मार्केट में गड़बड़ हो रही है, अगर इनमें से कुछ नहीं हो रहा तो आधार क्या है? अब देखिए आधार यह है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, वो हिंडनबर्ग जो अपने देश में खुद जांच के घेरे में है, आपको पता है अमेरिकन कोर्ट ने हिंडनबर्ग के ऊपर रोक लगा दी है कि वो किसी भी कंपनी के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं छापेगा। क्यों? हिंडनबर्ग ने अडानी के शेयर खरीदे शॉर्ट टर्म सेलिंग की और अपनी रिपोर्ट के द्वारा शेयर नीचे गिराए, और ये शॉर्ट टर्म सेलिंग में जानते क्या होता है, उसके करोड़ों रुपए कमाए, जांच तो इसकी भी होनी चाहिए। और ये जानते क्या होता है, एक शेयर मार्केट में रूल है, वो ये है कि मैंने आज पैसा लगा दिया, मान लिया 100 रुपए का शेयर है, मगर मैं पेमेंट कंपनी हमको एक हफ्ते बाद करेगी, उस एक हफ्ते में यदि 100 रुपए का शेयर 120 का हो गया तो मेरे को फायदा, आप कंपनी को फायदा हो गया, उसको 100 रुपए देने पड़ेंगे, पर अगर शेयर 50 का हो गया तो आपको फायदा हो गया शॉर्ट सेलिंग। ये बताइए शॉर्ट सेलिंग में, मैं तो पूछना चाहता हूं, हिंडनबर्ग ने अडानी के शेयर खरीदे ठीक रिपोर्ट लिखने से पहले, और उसके बाद जब शेयर धड़ाम से नीचे गिर गए तो करोड़ों रुपया कमाया कि नहीं, वो पैसा कौन कमा रहा है, वो किसके पास आ रहा है? अशोक जी एक सेकंड, हिंडनबर्ग ये शॉर्ट सेलिंग कंपनी, ये कंपनी धंधेबाज कंपनी है, ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है, ये व्हिसल ब्लोअर नहीं है,
हम नहीं कह रहे कि विसल ब्लोअर है, लेकिन किसी के घर में डकैती हुई, आप बोलते हो कि डकैती हुई, मेरा कहने का मतलब है उस डकैती में इतना सारा माल मिला, वो माल कहां से आया, इसका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। आप बार बार कहते हो कि उसके घर में डकैती हो गई, बताइए अशोक जी, एक आप उसके प्रति ये कर रहे हैं, उसके घर में तो चोरी हुई है, मुझे चोरी हुई अपने जगह पे, चोर ने चोरी की अपने जगह पे, चोर पकड़ा गया, उसके पास जो 500 करोड़ कैश मिला ये इस आदमी के घर से कैसा बरामद हुआ, मैं उस पे इंटरेस्टेड हूं। ठीक है, अब मेरा थोड़ा सा हम इस पे ज्यादा डाइग्रेस कर रहे हैं। आपने इसमें एक पॉइंट रखा, आपने कहा कि सेबी प्राइमरी एजेंसी है जिसके थ्रू, जिसके बाद ये चीजें आगे बढ़ेंगी। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, राहुल की सदस्यता जाने के बाद बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें आरोप लगाया कि बड़े बड़े वकीलों की फौज है, फिर भी अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया जा रहा है। कांग्रेस ये कहती है कि उनका अंदरूनी मामला है, इससे बीजेपी को क्या है? हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही। ये बताइए, श्री पवन खेड़ा जी के संदर्भ में तो चंद घंटों में कोर्ट पहुंच गए, और इनके यहां बड़े बड़े वकील नहीं, बहुत बड़े 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 प्रभावशाली वकील हैं। वो तो तुरंत जेल जाने की हालत थी ना वहां पर। मेरी बात तो सुनिए, उनकी गिरफ्तारी की मांग थी, एयरपोर्ट पे रोक लिया गया था। मेरी बात तो सुनिए जी, यहां तो वो उस लेवल के वकील है जिन्होंने आतंकवाद के आरोपियों के लिए रात को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवा दिया था, आज एक हफ्ते तक कोर्ट ही नहीं जा रहे। अब या तो ये कांग्रेस की कोई राजनीतिक रणनीति है, या फिर ये कांग्रेस के परिवार के अंदर की कोई कूटनीति है कि कुछ लोग राहुल गांधी को सलाह दे रहे हो कि भाई आप कोर्ट मत जाइए, आप जेल चले जाइए, आप शहीद हो जाएंगे, और उसमें उनको राजनीतिक रूप से शहीद करना चाह रहे हो, वट एवर द रीजन। अब या तो उनकी स्ट्रेटजी है या कॉन्स्पिरेसी है, तो कोई कांग्रेस का व्यक्ति बता सकता है। अन्यथा आप ये बात बताइए कि जब आपके पास मौका है, आज 7-8 दिन हो गए आप कोर्ट नहीं जा रहे, और दूसरे केसेस में चंद घंटों में, और मैंने पुनः बताया रात को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवा लिया था, जिन वकीलों ने, उन वकीलों के फौज वाले लोग 7-7 दिन तक कोर्ट ना जाएं। रांचु जी, या फिर ये हो सकता उन्हें पता हो, मैं आज से कुछ साल पहले अगर आपसे ये सवाल करता या आपकी पार्टी से ये सवाल करता, बल्कि मैंने सवाल ऐसे किए भी हैं, तो आप लोगों का जवाब होता था ये कांग्रेस का इंटरनल मैटर है। आज उस इंटरनल मैटर पे आप लोग बड़ा तेजी से जवाब देने, क्या ये बात का डर है कि राहुल का एक सिंपैथी तैयार हो जाएगी, एक विक्टिम कार्ड तैयार हो जाएगा, क्या बीजेपी को इस बात का डर है? इसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, जो कुछ भी हुआ है वो तो प्योरली टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर हुआ है। अच्छा, दूसरी बात, राहुल गांधी से मुझे लगता है अगर आप ईमानदारी से पूछ लेंगे तो दिल से कांग्रेस नेताओं को ज्यादा डर लगता है, वो कब क्या बोल के क्या परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, और उनके लिए बेचारों के लिए डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। भाजपा को डरने में कौन सी समस्या है? देखिए, एक राजनीति में सिद्धांत होता है, एक कहावत होती है, पुराने जमाने में जब राजे महाराजे होते थे तो क्या होता था कि अगर खुश हो गए किसी से, आपने बहुत अच्छी बात कही, तो आपको हाथी दान में दे दिया जाता था, और अगर कोई गलत बात हो गई, पता चला मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई, तो हाथी पांव के नीचे आ जाते थे, तो कहा जाता था बात ही हाथी पाइए, कहावत ये, बात ही हाथी पाइए बात ही हाथी पांव, ये राजनीति में बहुत ध्यान रखना चाहिए। और मुझे लगता है राहुल गांधी जी, एक कहावत और है ना, दोहा, कि वाणी एक अमोल है जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी, यानी 100 बार सोच के बोलना चाहिए, राहुल गांधी जी बोलने से 100 बार बोलने के बाद भी शायद नहीं सोचते हैं। ठीक है, इस लिहाज से सिर्फ इसी पर प्रदीप जी सवाल आपका। रांचू जी, इस समय देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत तेजी से जांच का अभियान चल रहा है, कल प्रधानमंत्री ने भी पार्टी मुख्यालय में इस पर कहा कि ये रुकने वाला नहीं है, हम पर झूठे आरोप लगाए जाएंगे तब भी हम रुकने वाले नहीं। एक सवाल बहुत से लोगों के मन में उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है कि जांच एजेंसियों को केवल विपक्ष के नेता मिलते हैं, बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच क्यों नहीं होती, या ये मानकर सरकार चलती है एजेंसियां कि बीजेपी में भ्रष्टाचार है ही नहीं? देखिए, ये सवाल आजकल बहुत पूछा जा रहा है, तो मैं इस पर बहुत ही टेक्निकल जवाब देता हूँ। ये जितनी भी पार्टियां आज भ्रष्टाचार के घेरे में हैं, इन लोगों के कहने का भाव यह है कि 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद यह हुआ। मैं विनम्रता से पूछता हूं, इनमें से एक पार्टी का नाम बता दीजिए जिसके पास पिछले 25-30 सालों में भ्रष्टाचार के आरोप में इनके नेताओं ने एजेंसियों की जांच न झेली। 2014 से पहले बताइए, कांग्रेस में कॉमनवेल्थ से लेके कोयले का घोटाला से लेके 2G का घोटाला और मुकदमेबाजी हुई, सुप्रीम कोर्ट में गए, ए राजा जेल चले गए, हम थे क्या तब?
मनमोहन सिंह जी के जमाने में केज पैरेट कहा गया, चलिए वो छोड़िए, पीवी नरसिम्हा राव भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद उनको बतौर मुजरिम कोर्ट में खड़ा होना पड़ा भ्रष्टाचार के आरोपों में। राजीव गांधी जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो सीधे बोफोर्स के मामले में घेरे में आए। ये बताइए आज ये लोग कहते हैं मुलायम सिंह जी के ऊपर डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस कब से, 2004 और 5 से। मायावती जी के ऊपर 2005 और 6 से। डीएमके के नेताओं के ऊपर कब, 2007 और 8 थे। और लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल चले गए थे, 1997 में, और पर्ची फाड़ रहे 2014 के बाद की मोदी जी के ऊपर। तो भाई प्रॉब्लम क्या है कि इनका तो पूरा चरित्र और फितरत ही भ्रष्टाचार है। देखिए ये इन पार्टियों की एक बड़ी खास बात है, नाम लेना है जाति का, आगे करना है परिवार को, और सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचार करना है। परिवार और भ्रष्टाचार को बचाना है केवल ये उद्देश्य, इसीलिए सब मिलकर एक होने का प्रयास कर रहे हैं। कल मोदी जी झूठ बोले इसका मतलब, कल मोदी जी ने यह कहा था अपने भाषण में, अब मैं 2014 के पहले तो कोई ईडी एक्शन ही नहीं लेता था, जांच एजेंसियां एक्शन ही नहीं लेती थी। नहीं, लेकिन 2014 के बाद ही हमने एक्शन लेना शुरू किया भ्रष्टाचार के खिलाफ। लेकिन आपने जितने नाम गिनाए ये तो 2014 के पहले के हैं। आप मेरी बात सुनी नहीं पाए, मैंने 97 भी गिराया जब ईडी थी भी नहीं, मैंने वही तो कहा आपको। अरे मैंने फोर्स के जमाने में, अशोक जी मतलब कोई भी एजेंसी हो, एक मिनट, एजेंसी कोई भी हो भ्रष्टाचार में इनको रहना है। नहीं नहीं, मैंने क्या कहा आपको कि इसका मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन हुई है। एक्शन कैसे हुई है, कोर्ट से हुई है, कोर्ट से भी हुई तो, लेकिन एक्शन तो हुई। हाँ तो एक्शन तो वही तो हम कह रहे हैं, भ्रष्टाचार किया है तो एक्शन होगा। अभी तो अब किया ही नहीं तब भी एक्शन कर दो भाई। मैंने सवाल अशोक जी, तो अशोक जी एक हर जगह कोर्ट से ही नहीं हुआ है, हर कोर्ट से नहीं हुआ। चलिए आप यूपीए सरकार का एक केस बताइए जो बगैर कोर्ट के हुआ। चुनौती पूछता हूं आपसे, बताइए बताइए कोई एक केस जो बगैर कोर्ट के हुआ। 2G कोर्ट से हुआ, CWG कोर्ट से हुआ, कोयला कोर्ट से हुआ, बोफोर्स पे। आज कहते हैं लोग जेपीसी शायद बच्चों को नहीं पता हो, वी शंकरानंद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन थे बोफोर्स में, सारी क्लीन चिट दे दी थी, और जब सरकार ने आके जांच की तो काटोची मामा के पैसे में अकाउंट में पैसा तक निकल आया। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं सब कोर्ट से होता है। 8-14 से आप लगातार सत्ता में हैं, उस बोफोर्स में अभी क्या हुआ बता रहे क्या हुआ। सुनिए बड़ी मजेदार बात यह थी कि क्वाट्रोची के खिलाफ जो रेड कॉर्नर नोटिस था वो यूपीए 1 सरकार के आखिरी समय में, वो क्वाट्रोची अर्जेंटीना में लैंड करता है जहां भारत की एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है, तो उसका रेड कॉर्नर नोटिस खारिज हो जाता है। मतलब जानते क्या हुआ, और उसके बाद क्या करते, बजाय फ्रेश रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के उसका पैसा उसको देकर केस खत्म, पैसा भी ट्रांसफर कर देते। मतलब कुछ कुछ ऐसा हुआ कि कहा गया पुलिस नाके ऊपर एक गाड़ी आएगी इसको चेक करना, वो गाड़ी निकल गई, तो बजाय इसके कि अगले नाके पे कहें पकड़ लेना, वायरलेस मैसेज का निकल गई तो जाने दो, कोई बात फर्क नहीं पड़ता, वो काम किया गया क्वाट्रोची। अभी क्यों नहीं कर सकते? अच्छा अशोक जी तो केस खत्म, मैं बार बार हम लोग बार बार डाइग्रेस कर, सर ये 1-on-1 होता जा रहा है, एक मिनट सर, मैं सबके पास सुधांशु जी एक मिनट, नीरव मोदी राजीव गांधी जी जीवित नहीं है मान्यवर, ठीक है सर राजीव गांधी सर ये 1-on-1 नहीं है, ये 5-on-1 है सर। नीरव मोदी, ललित मोदी, ये दोनों ओबीसी नहीं है, तो ये ओबीसी का अपमान कैसे होगा? सर ये बताइए, मोदी सरनेम आपने प्रयोग किया तो मोदी सरनेम किसका होता है, या तो आप सरनेम नहीं कहते? नहीं, लेकिन नीरव मोदी बनिया समाज से आते हैं, ललित मोदी भी ओबीसी नहीं है। अच्छा, ये कांग्रेस पूरा तर्क दे रही है बार बार। नहीं तर्क, कांग्रेस का तर्क बहुत बढ़िया है। मैं एक बात कहूं आपसे, आपने दो नाम लिए, ललित मोदी, नीरव मोदी, दो उदाहरणों पर पूरी एक जाति या एक सरनेम को चोर कहने वाले लोग वो हैं जो हजारों उदाहरणों के बाद अगर कह दिया जाए कि सारे आतंकवादी एक समुदाय से क्यों होते हैं, छाती पीटने लगते थे कि आतंकवाद का मजहब नहीं होता और चोर की जाति होती है, वाह, दो उदाहरणों पे एक पूरी जाति चोर है और हजारों उदाहरणों के बाद नहीं 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 आतंकवाद का मजहब नहीं होता है मगर चोरी की जाति होती है, इसी कारण से यह इनकी गति हो रही है। नहीं लेकिन राजगोपालन जी, ये सवाल पर आपका टेक। सुधांशु जी, 303 MP बीजेपी को है, कांग्रेस को 56-50 है, आप क्यों बार बार पार्लियामेंट को रोक रहे? 303 होने के बावजूद भी पार्लियामेंट चलाना चाहिए था, क्यों पार्लियामेंट को रोकना है? इसमें आपको क्या अनुभव मिल रहा है? एक तो मैं ये बात ऑन द लाइटर नोट कह दूं, एक दौर था जब हमारे 2 MP होते और आज कितने, 303, ये जनता के आशीर्वाद से हुआ है। जहां तक रोकने की बात है, देखिए वहां पे बहुत स्पष्ट बात, 303 वैसे भारत की एक बहुत पुरानी बंदूक भी है जो आप बता रहे हैं। नहीं मैं ये कह रहा हूं, आप सरकार की आलोचना करिए, हम तैयार हैं,
आप भाजपा की आलोचना करिए, हम तैयार हैं। आप मोदी जी के विरुद्ध जितना विष वमन करना है करिए। आपने क्या क्या नहीं बोला, मौत का प्रकार, मौत तरीका, ये मरेंगे, ये होगा, जाति बोधक शब्द बोले और ये कहा तू चाय बेच, सब चलता है। अगर आप भारत का अपमान करेंगे कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है और आप कहेंगे सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यही वर्ड यूज है, यूरोप एंड अमेरिका डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाई दे आर नॉट रिएक्टिंग, तब तो फिर आप भारत की सार्वभौमिकता यानी सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं, तब हमने कहा माफी मांगो। बाकी तो आप गाली बकते रहे, मोदी जी की बोटी बोटी काटने से लेके इसकी मौत मरेगा उसकी मौत मरेगा सब बोल लिया, हम उसके ऊपर माफी मांगने को हमने नहीं कहा, हमने इस पे माफी मांगने कहा। और दुख किस बात का हुआ, स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में उस इंग्लैंड की धरती से आपने जाके कहा जिन्होंने हम पे हुकूमत की थी। अरे चलिए कोई बात नहीं, आपको मोदी जी के प्रति, भाजपा सरकार के प्रति बहुत घृणा है, एक आध बार कुछ अच्छी बात भी बोल देते, जैसे मोदी जी ने कहा कि हम बिगेस्ट डेमोक्रेसी नहीं है, वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। उस इंग्लैंड में जहां खड़े होकर राहुल गांधी ने बोला, वहां कहा जाता ना डेमोक्रेसी शुरुआत कब से हुई, मैग्ना कार्टा 1215 में आया। अरे बोलिए ना, कर्नाटक में अनुभव मंडवम 11वीं शताब्दी से चल रहे थे भगवान बसवन्ना के समय में। ये बोलिए ना चोल साम्राज्य में बाकायदा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते थे 10वीं शताब्दी से। ये बोलिए कि वैशाली का पहला गणराज्य था 2500 साल पहले का। वेदों के जमाने में सभा समिति विदत गण बैठकर लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय लेते थे। आज भी राज्यसभा और विधानसभा और लोकसभा शब्द वहीं से आया। परंतु चलिए कभी एक बार भी राहुल गांधी ने यह शब्द कभी बोले हो बताइए, यानी भारत की लोकतांत्रिक परंपरा के लिए तो कभी कुछ नहीं बोला। और ऐसा नहीं कांग्रेस नेताओं ने बोला है, प्रणब मुखर्जी जी ने बोला है जी, नरसिम्हा राव जी ने बोले हैं कई बार ये बात, मगर राहुल गांधी जी नहीं बोलते। इसलिए लगता है कि भारत की गौरवशाली परंपरा के बारे में चार बातें बोल के फिर आप कह देते हैं आज हमें लग रहा हम फिर भी मान लेते हैं कि देश का सम्मान करते हैं, पर जो उन्होंने बोला वो देश के प्रति अवमानना थी, इसलिए उसमें माफी के बगैर कोई चीज संभव नहीं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूं, प्रियंका गांधी उनका एक बयान सुनाता हूं, जरा इधर लेके आइए और उसके ऊपर मैं सुधांशु जी आपसे सवाल पूछूंगा, प्ले ऑन करिए प्रियंका गांधी का एक सवाल और स्टूडियो में जरा ऑडियो आप करेगा, सुधांशु जी देखिएगा जरा यहाँ पर हम उधर आए, नहीं नहीं आप उधर ही बैठिए प्लीज, कोई बात नहीं। हाँ, एक आदमी का कितना अपमान करोगे, कितना अपमान करोगे, क्या यही है इस देश की परंपरा? आप परिवारवादी कहते हैं तो भगवान राम कौन थे? भगवान राम को वनवास में भेजा गया, उन्होंने अपने परिवार अपनी धरती के प्रति अपना धर्म निभाया, क्या भगवान राम परिवारवादी थे? क्या पांडव परिवारवादी थे कि वो अपने परिवार की संस्कारों के लिए लड़े? अब सुधांशु जी यहां पर बड़ा सवाल है परिवारवाद, जिसको लेकर आप जाहिर तौर पर अभी आप कर्नाटक में, कल प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर बोला है, प्रियंका ने उसका जवाब दिया, आपका टेक इस पर। देखिए पहली बात, कहां भगवान राम और कहां राहुल गांधी, तो कुछ तो सोचना चाहिए। दूसरी बात, मुझे प्रसन्नता भी है, देखिए इसमें मेरे मन में मिश्रित अनुभूति आ रही है प्रियंका जी का बयान सुन के, क्योंकि महात्मा गांधी की समाधि पर खड़े होकर जहां हे राम लिखा है, उस राम को काल्पनिक कहने वाले, श्री राम मंदिर के विरुद्ध खड़े होने वाले, श्री राम मंदिर के विरुद्ध जिनके नेता वकील का चोला ओढ़ के खड़े होते थे, राम भक्त कारसेवकों पर गोली चलवाने वाले, कम से कम राम की याद तो आई, ये मेरे लिए सुखद अनुभूति है। अब परंतु मुझे ये लगता है कि उनके मन में जो भाव आया शायद भारतीय संस्कृति का उनको पता ही नहीं है। अरे भगवान राम परिवार के लिए थोड़ी थे, क्या लिखा है रामचरितमानस में जब भगवान राम का जन्म हुआ, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए वो आए। और एक और बात कहूं, तुम्हारा भाई यदि गलत है इसके बावजूद आप अपने भाई के पक्ष में खड़े हैं, ये राम की नहीं रावण की परंपरा है, कुंभकर्ण को पता था मेरा भाई रावण गलत है फिर भी उनके साथ खड़े थे। सुनिए, और पांडवों की परंपरा क्या है कि मेरे भाई यदि गलत हैं तो मैं उनसे भी लड़ जाऊंगा, क्योंकि अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सजान्म्यहम। तो इसलिए मुझे लगता है, देखिए एक और बात कहूं, कांग्रेस की गति जानते क्या हो गई, महाभारत में एक बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है कि जब दुर्योधन है उससे कहते हैं विदुर, भाई तुमको भी तो शास्त्र पढ़ाया गया है, धर्म क्या है सत्य क्या तुम्हें नहीं पता क्या? तो दुर्योधन कहता है जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नचमे निवृत्ति, सत्य और धर्म क्या है मुझे पता है पर मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है।
असत्य और अधर्म क्या है मुझे पता है, मेरी उससे निवृत्ति नहीं है, तो वही कारण है कांग्रेस के लिए यह तथाकथित सत्याग्रह में न सत्य के लिए प्रवृत्ति है न असत्य से निवृत्ति है। लेकिन सुधांशु जी मुझे एक बात बताइए, अब चलिए आपने बताया और बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए, लेकिन एक बात बताइए, हेमंता बिस्वा शर्मा प्रधानमंत्री जी को कलयुग के हनुमान कहते हैं, चिराग पासवान वो कहते हैं कि मोदी जी राम हैं और मैं उनका हनुमान हूं, जब वो तुलना कर सकते हैं तो ये तुलना करने में क्या बुराई? नहीं नहीं हम ये बात नहीं करें, देखिए कौन राम का हनुमान है तो बड़ी नॉर्मल सी बात होती है, दो भाई होते हैं लोग कहते हैं देखिए साहब राम लक्ष्मण की जोड़ी है, कोई पति पत्नी जब शादी तय होती लोग कहते हैं अरे भाई इनकी शादी हो जाएगी राम सीता की जोड़ी रहेगी, वो भाव अलग है, परंतु यहां पर जब आप अहंकार से बोलते हैं और पृष्ठभूमि क्या है, पृष्ठभूमि वो जो मैंने गिना दिया, राम थे नहीं, राम मंदिर के खिलाफ और राम भक्त कार सेवकों के खिलाफ और डे वन से राम मंदिर के खिलाफ, तब आप राम का उपयोग करते हैं तो लगता है कि आप, देखिए मैं बात कर रहा हूं भाषा शैली की, एक बार आपको सुनाता हूं एक और बयान, जरा ध्यान से देखिएगा और आपके बड़े कैबिनेट मंत्री हैं जिनका बयान है आप देखते ही समझ जाएंगे, और जरा स्टूडियो में वॉल्यूम लाउड करेगा, सुनाइए जरा एक बार। The other day you said I am not apologized because I am not Savarkar. Do you know the contribution of people like Savarkar ji? And you're getting, as I said, getting an ass to run a horse's race. That's my comment. अब ये बहुत चिंताजनक है, अब इन्होंने जो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया आपने सुना, इन्होंने किस तरीके से कहा कि घोड़ों की रेस में गधे दौड़ रहे हैं, क्या ये अपमान नहीं है, क्या आप इस बयान का समर्थन करेंगे? देखिए अगर कोई बात किसी संदर्भ में कही गई, यहाँ तक बयान की बात है तो उस बयान को मैंने अभी आपके सामने देखा, परंतु मैं ये कहूँगा यह बात किसी को आपत्तिजनक लग सकती है, मैं मानता हूँ, मगर वो लोग कहेंगे जो कहते थे बोटी बोटी काट दूंगा, नहीं नहीं तो उसका जवाब कैसे दिया? नहीं नहीं ये नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ बिल्कुल वीर सावरकर के साथ कांग्रेस की तुलना नहीं हो सकती, जमीन आसमान का अंतर, क्यों नहीं हो सकती वो बता रहा हूं, और कुछ हद तक जो उन्होंने बात कही शब्द अनुचित होंगे परंतु अगर आप देखें तो तुलना के अंदर एक बात है कि जमीन आसमान का अंतर कैसे, वीर सावरकर भारत के एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी है जिनको दो जन्मों का कारावास हुआ, और कब हुआ 1910, और जाके चेक करिए 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष एक ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी विलियम वेडनबर्न था, आप ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी की सदारत में बैठे हुए थे और उस आदमी के खिलाफ बोल रहे हैं जिसको ब्रिटिश सरकार ने दो दो जन्मों के कारावास की सजा दी। और दूसरा मैं करना चाहता हूं, कभी कभी जानते क्या होता है, आदमी अपनी वंश परंपरा नहीं समझता है, ये बताइए सावरकर जी के लिए इंदिरा गांधी जी ने डाक टिकट जारी किया था, अब इंदिरा जी सही या राहुल जी सही, तो जानते क्या लगता है, अब सुनिए इतना ही नहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर इतना बोलते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी ने 65 वॉर में गुरु गोलवलकर जी को बुलाया था, 62 की चाइना वॉर में संघ ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उन नेहरू जी का जिन्होंने उन पर प्रतिबंध लगाए थे इतना साथ दिया कि नेहरू जी ने खूब प्रशंसा की और 26 जनवरी 1963 को बुलाया, मगर अफसोस इंदिरा गांधी से लेकर असली गांधी से राहुल गांधी तक आते आते बुद्धि ऐसी बदल गई, मतलब कुछ कुछ अब शब्द नहीं प्रयोग करना चाहता हूं, ऐसी बुद्धि हो गई कि एक लाइन में कहूं बूढ़ा वंश इंदिरा का उपजा राहुल लाल सारी लुटिया डुबो दई है, ऐसा किया कमाल। अब यहां पर जो तालियां बज रही हैं मैं आपको एक और बयान सुनाने जा रहा हूं, अब कांग्रेस आपको यह बयान याद दिला रही है, थोड़ी देर पहले जब हमारा जिक्र चल रहा था, जब हम बातचीत कर रहे थे कि नीरव मोदी किस समाज से आते हैं, तो कांग्रेस ने एक बयान उनकी तरफ से बार बार बताया जा रहा है, प्ले ऑन करें उसको, जरा लाउड रखिएगा स्टूडियो में। वो किसान है ही नहीं, या तो खालिस्तानी है या आतंकी है या दलाल है या राजनीतिक पार्टी का कुछ लोग हैं। अब ये सवाल देखिए, वो ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने मोदी शब्द का इस्तेमाल किया राहुल गांधी ने तो वो पूरे ओबीसी समाज को आपने कनेक्ट किया, लेकिन इसको क्या कहेंगे जो साक्षी महाराज यहां पर कह रहे हैं, उसके बाद मैं अपने मेहमानों के पास आऊंगा जयशंकर जी के। साक्षी महाराज से पहले कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा था कि वो खालिस्तानी है, और जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और जो आतंकवादी हमले में शहीद हुए बेअंत सिंह जी के बेटे हैं, इन्होंने से रिपीट किया है, और मैं चैलेंज कर कहता हूं चेक कर लीजिए इसकी डेट और रवनीत सिंह बिट्टू के स्टेटमेंट की डेट, सबसे पहला स्टेटमेंट कि उस आंदोलन में इस तरह के लोग घुसे हुए हैं, उन्होंने कहा। अच्छा एक और बात बताइए, उसी आंदोलन में कम से कम हम आसाम की नेक काट दें, इसका क्या कनेक्शन था किसान आंदोलन से?
मर जा मोदी ये नारा लगा, इसका किसान आंदोलन से क्या कनेक्शन था? और सुनिए, मुझे तो दुख ये होता है कि कांग्रेस वालों के आप सम्मान किया गया, ये शब्द प्रयोग किया गया, विनम्रता से कह रहा हूं कोट अनकोट में, हमने इंदिरा को ठोंक दिया था और मोदी के साथ भी यही करेंगे अनकोट, उसके बावजूद आप उनके साथ खड़े हुए। और एक और बात मैं कह दूं, अब तो किसान आंदोलन सब पुरानी बात हो गई, हकीकत में यह समझिए जो पंजाब के सबसे बड़े किसान नेता थे वो चुनाव लड़े और जमानत जब्त हो गई, उत्तर प्रदेश के जो सबसे बड़े किसान नेता थे वो उनके गांव में भाजपा को वोट उस बूथ पे ज्यादा मिला, ये महत्वपूर्ण नहीं है, उनके गांव में वो जिस पार्टियों को सपोर्ट कर रहे थे उनको उतने वोट भी नहीं मिले जितने लोग उनकी पंचायत में बैठे रहते थे। इससे आप समझ लीजिए कि इकोसिस्टम क्या था और हकीकत क्या थी। ठीक है, हालांकि मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस कुछ और था, लेकिन ठीक है आपने उसका जवाब दिया। जयंता जी, सुधांशु जी, राहुल गांधी अगर भारत के राजनीति में प्रभाव नहीं है, भाजपा 303 का पार्टी है, मोदी जी का और अमित शाह जी का जो नेतृत्व पे भाजपा जैसे जिस जगह है, अगर वहाँ कांग्रेस का कोई प्रभाव नहीं है तो आप राहुल गांधी के लेके इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हैं, डिस्क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, और उसके कारण प्रतिपक्ष जो यूनाइटेड नहीं थे उसको आप कर्नाटक चुनाव के पहले यूनाइटेड कर चुके हैं, तो ये क्या स्ट्रैटेजिकली इसके क्या कारण क्या है? देखिए, आप फायदा क्या है, नुकसान क्या है? आपने जो प्रश्न पूछा, पहली बात टेक्निकल मैंने जवाब दे दिया कि डिस्क्वालिफिकेशन इज टेक्निकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ फॉलोइंग, यानी एक निर्णय होने के बाद वह तकनीकी दृष्टि से वो दूसरा स्टेप था इसलिए हुआ। जहां तक आपने कहा राहुल गांधी जी का प्रभाव नहीं है, नहीं, राहुल गांधी जी का बहुत प्रभाव है और मोदी जी का भी बहुत प्रभाव है, मोदी जी का सकारात्मक प्रभाव है, उनका नकारात्मक प्रभाव है। मोदी जी आए और सुनिए, उत्तर प्रदेश में 10 लोकसभा सीटें थी 2004-09 तक, 73, उसके बाद सब मिलके एक हो गए 2019 में, तब हम 63, और राहुल गांधी जी आए उसके बाद से अब एक सीट रह गई, यानी आज उत्तर प्रदेश में वो स्थिति हो गई जी कांग्रेस के लिए कि आज तो उतनी भी मैं नहीं है मैखाने में जितनी कि हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। अब आप ये कह रहे हैं कि साहब हम उनकी बातों का जवाब क्यों दे रहे हैं, क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, हम तो बड़ी सिंपल सी बात कर रहे हैं, सत्ताधारी दल पर सारे विपक्षी दल अटैक कर सकते हैं, हम सारे दलों का उत्तर देंगे, जो मुख्य विपक्षी दल है उसको मुख्य उत्तर देंगे, यद्यपि टेक्निकली लोकसभा में नहीं पर राज्यसभा में तो टेक्निकली मुख्य विपक्षी दल, और यह यथार्थ है कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, या तो कांग्रेस कह दे कि हम मुख्य विपक्षी दल नहीं है तो हम मुख्य उत्तर उनको देना बंद कर देते हैं। तीसरा पॉइंट आपने कहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पे सब साथ आ गए, प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही, कोई मुद्दा इन सारे दलों को एक नहीं कर पाया, न किसान मुद्दा, न इनके हिसाब से महंगाई का मुद्दा, ना बेरोजगारी का मुद्दा, क्या कर पाया, ईडी ने एक कर दिया। कारण जानते क्या है, अरे कोई साथ में नहीं आया है जी, सब अपने अपने दर्द से बेहाल हैं, वो गीत नहीं सुना है, कौन रोता है किसी और की बात पे दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। और इतना नहीं, उनके आगे की लाइन क्या है, आगे की हालत उनकी ये है कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, और जब केस निकलते हैं बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। जयशंकर जी, आपका सवाल जी। भाई निशांत, देखिए सुधांशु जी भाजपा के सर्वश्रेष्ठ प्रवक्ताओं में से एक हैं, ये मैं मानता हूँ, पढ़े लिखे हैं, तार्किक बातें करते हैं, अभी इन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, मैं थोड़ा सा वक्त जरूर लूँगा कि पॉइंट वाइज मैं भी इनसे थोड़ा सा बात कर लूँ। जैसे इन्होंने कहा कि अडानी का इन्वेस्टमेंट राजस्थान में हुआ, अडानी का इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में हुआ, उसमें क्या राहुल गांधी अडानी के साथ गए थे इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए? ऑस्ट्रेलिया में जब अडानी गए थे तो नरेंद्र मोदी जी साथ में गए थे, स्टेट बैंक की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य भी साथ में थी, जब माइंस की लीज दी गई थी उस समय इन्होंने मिलकर वहाँ समझौता कराया था। एक दूसरा, ये अगर वो शॉर्ट सेलिंग की बात हिंडनबर्ग ने की कि उसने शेयर खरीद लिया था, शॉर्ट सेलिंग में शेयर बेच दिए, तो विपक्ष तो यही मांग कर रहा है कि जेपीसी जांच करा लो, जेपीसी जांच कराइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? एक सवाल। दूसरा जो है, क्या भारतीय जनता पार्टी, सर पहले उसका जवाब ले लूं मैं जो आपने अभी अभी बोला, बहुत सारे लंबा हो जाएगा सर, सुधांशु जी जवाब। दोनों बातों, पहली बात, इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है, अनेक बार प्रधानमंत्रियों के साथ जब बिजनेस डेलीगेशन जाते हैं
तो बहुत सारे बिजनेसमैन जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, लेकिन वहीं पे बैठ के स्टेट बैंक का चेयरमैन अब लोन सैंक्शन नहीं करता है। नहीं नहीं, वहां पे हुआ नहीं हुआ वो एक अलग विषय था, वहां पे अलग दूसरी भागिए मत। अरे भाई बात तो सुनिए मान्यवर, घुमाइए मत, जो बात कहना चाह रहे हैं घुमाइए मत। देखिए नहीं नहीं, घुमाने की कोई बात नहीं है, घुमाने की बात तो जानते क्या है, ठीक है ठीक है, घुमाने की बात आपने कितनी सहजता से कह दिया। राहुल गांधी कहे थे क्या छत्तीसगढ़ और वहां पर? जी हाँ, राहुल गांधी कहे थे, मैं चुनौती से कह रहा हूं, उस समय कर्नाटक में थी राहुल गांधी जी की यात्रा, जब अशोक गहलोत जी के साथ अडानी की फोटो आई और उनसे पूछा गया तो जिंदगी में पहली बार राहुल गांधी ने अडानी जी बोला है और कहा कि अगर हमारी स्टेट में 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो हम स्वागत कर रहे हैं, तो कहे भैया उनकी अनुमति से हुआ है। अब तो कह दो कि हटा दो, अब तो शेल कंपनी है तो हटा दीजिए ना, वो नहीं हटा रहे हैं सर, इसलिए हम मिलने की बात कह रहे हैं। और दूसरा ये आपको एक और भी फैक्ट बता दूं, अडानी को फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया का 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट 12% इंश्योर रिटर्न के साथ 2007 में मिला, मनमोहन सिंह जी के जमाने में। पहला प्राइवेट पोर्ट मुंद्रा पोर्ट नरसिम्हा राव जी के जमाने में मिला, ठीक है, उनकी कंपनी शुरू हुई राजीव गांधी जी के जमाने में। मतलब आपके 3 प्रधानमंत्री और 3 मुख्यमंत्री जो करेंगे वो एकदम नीट एंड क्लीन है, और बीच में सारा गड़बड़ है। और वो गड़बड़ भी कैसा है, क्योंकि मुझे सेबी पे भरोसा नहीं है, मुझे LIC पे भरोसा नहीं है, मुझे SBI भरोसा नहीं है, मान्यवर आपको मीडिया पे भरोसा नहीं है, आपको जुडिशरी भरोसा नहीं है, आपको आर्मी पे भरोसा नहीं है, आपको एयरफोर्स पे भरोसा नहीं है, आपको भरोसा किस पे ये बता दीजिए। ये समस्या ये है कि एक ऐसा माइंडसेट बन गया है कि भारत की किसी चीज पे भरोसा नहीं, इसलिए समस्या। और अब टेक्निकल जवाब देता हूं, इन्होंने कहा JPC गठित कर दीजिए। अब चूंकि आपने कहा JPC ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भारत की संसद की होगी, तो भारत के किसी भी संस्थान को बुला सकती है कि आप आइए और अपना स्टेटमेंट दीजिए। तो सेबी LIC वगैरह ने तो कोई ऐसा इशू उठाया नहीं, उठाया है हिंडनबर्ग ने, हिंडनबर्ग एक विदेशी कंपनी है। आप मुझे भारत के संसद का या कानून का वो क्लॉज बता दीजिए जिसमें भारत की संसद की कमेटी किसी विदेशी कंपनी को जो भारत में काम न कर रही हो, कर रही होती तो हम उसको बुला लेते, उसको बुला सकती है और वो आके अपियर हो जाएगी, मुझे बता दीजिए। सर मैं आपकी एक जानकारी के लिए बता दूं, जब बोफोर्स के लिए JPC बनी थी तो बकायदे विदेश गई थी, वो JPC गई थी वहां पे जांच वहां से जाके स्विडिश कंपनियों के साथ बात करके जांच की। एक बात वो छोड़ दीजिए, दूसरा सवाल जो है सर, मैं आपके दूसरे बोफोर्स पे क्लैरिफाई कर दूं, आपके दूसरे सवाल पे आऊंगा सर। बोफोर्स की जांच ऐसा नहीं कि ऐसे हुई थी, राजीव गांधी सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक एजेंसी हायर की थी फेयरफैक्स, जिसने शेयर मार्केट में हुए घोटालों की जांच की थी, उसमें आई थी। तो ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की जांच से आई थी। ठीक है, अच्छा एक मिनट, अब सर मैं आ रहा हूँ, सबके पास आ रहा हूँ, मैं चाहूंगा एक बार जरा हमारे जितने भी यहाँ पर लोग हैं सर, एक मिनट आ रहा हूँ, एक मिनट नहीं, मैं एक मिनट आ रहा हूँ आपके पास, मुझे एक रैपिड फायर राउंड करना है, पहले जोरदार तालियां हो जाए। सुधांशु जी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आप जवाब पॉलिटिकल या अपॉलिटिकल या पर्सनल दे सकते हैं, लेकिन जवाब जरूर दीजिएगा। क्या पहले सवाल के लिए आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं कि नहीं है? पहला सवाल दिखाइए जरा यहां पर फोटो के साथ। पहला सवाल जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। पहला सवाल, बेहतर गांधी कौन, राहुल गांधी या वरुण गांधी? तालियां होनी चाहिए पहले इस पर। सुधांशु जी, बेहतर वो होता है जो राष्ट्रवाद के साथ होता है। इन दोनों में से कौन है? समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। अरे आप समझा दीजिए, मैं अनाड़ी हूं सर। मैंने आपको अनाड़ी नहीं समझता हूं सर। नहीं नहीं अब मेरा दूसरा सवाल, तैयार है आप लोग? BJP की दोस्त कौन है, ममता बनर्जी या मायावती? बताऊं, ये दो बुआ हैं, एक लखनऊ वाली एक कलकत्ता वाली, दोनों भतीजों से परेशान हैं। क्या आपकी दोनों से दोस्ती नहीं है? सर दोनों भतीजों से परेशान हैं, हम क्या बता सकते हैं। एक के भतीजे ने पैर छू छू के काम लगा दिया, दूसरा का भतीजा ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि वो अपने राज्य में परेशान है। क्या आप अगले सवाल के लिए तैयार हैं? आवाज ही नहीं आ रही है। बड़ा दिखाइए जरा, बड़ा स्वतंत्रता सेनानी कौन, सावरकर जी या गांधी जी? सुनिए, 18 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने हरिजन में एक आर्टिकल लिखा सावरकर ब्रदर्स, और उसमें उन्होंने यह शब्द लिखा है कि मेरी दृष्टि में सावरकर बंधु, जिनमें से एक
विनायक दामोदर सावरकर से मैं लंदन में मिला हूं, मेरी नजर में वो चतुर साहसी और देशभक्त हैं और ब्रिटिश राज की बुराइयों को उन्होंने मुझसे कहीं पहले पहचान लिया था। बेहतर और बड़ा कौन है सर? मैंने गांधी जी का स्टेटमेंट कोट कर दिया भाई, गांधी जी ने यह लिखा और यह लिखित में है कि ब्रिटिश राज की बुराइयों को उन्होंने मुझसे पहले पहचान लिया था। अच्छा, ये रैपिड फायर है, आप इसमें पूरा आंसर इन ब्रीफ कर रहे हैं, कौन है? इसमें फैक्ट्स बोल रहा हूं, कोई जाके चेक कर ले। आप मुझे बताइए आपके लिए बड़ा कौन है, एक चुन लीजिए आप। गांधी जी खुद बोल दिए ना कि मेरे से पहले उन्होंने पहचान लिया। ठीक है, चलिए अब सीधा ही अगला सवाल, तैयार है आप लोग? सर, बेहतर राजनेता कौन, ओवैसी या केजरीवाल? देखिए दोनों में क्या बराबरी की जा सकती है, बेहतर बताएं कौन है? सर एक जवाब दीजिए, एक लाइन। जो उधर वाले हैं, धुम धुम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे। इधर वाले हैं, मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, पीता नहीं हूं पिलाई गई है। अब लड़ैया और शराबी में कौन बेहतर, वो आप निर्णय लीजिए। अच्छा थोड़ा सा रिवर्स कर देता हूं, आप पहले जवाब दे दीजिए फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन दीजिए। अब कौन है इनमें से बेहतर, इनमें से बेहतर राजनेता कौन है? मैंने तो कहा ना, एक दारू का दरिया बहाने वाला और एक आग का दरिया बहाने वाला, दोनों में लिक्विड और गैस में तुलना नहीं हो सकती भाई। ठीक है, अब नेक्स्ट दिखाइए जरा अगला सवाल जो है, तैयार है आप लोग? ये देखिए, हिंदू हृदय सम्राट कौन, हिंदू हृदय सम्राट कौन, लाल कृष्ण आडवाणी जी या योगी आदित्यनाथ जी? हिंदुत्व के विशाल भवन की नींव रखने वाले लाल कृष्ण आडवाणी जी और कंगूरे तक ले जाने वाले योगी आदित्यनाथ जी। एक एक चुनना है आपको, प्लीज एक एक चुनना है। आपने दोनों का फिर एक्सप्लेनेशन दे दिया, एक बताइए मुझे। मान्यवर ऐसा है, वो उनके पिता तुल्य हैं, जो पिता तुल्य लोगों से तुलना नहीं की जाती है, प्रेरणा ली जाती है। तो क्या मैं ये कहूं कि आडवाणी जी ज्यादा बड़े हिंदू हृदय सम्राट हैं? मैंने तो कहा ना, पिता से तुलना नहीं की जाती, प्रेरणा ली जाती है। ठीक है, अगला सवाल, तैयार हैं आप लोग? सुनिए, वैसे एक बात बता दूं, हाँ, आडवाणी जी ने एक नारा दिया था, जहां राम का जन्म हुआ हम मंदिर वहीं बनाएंगे, और जब मंदिर का शिलान्यास हुआ तब योगी जी मुख्यमंत्री थे, वो कहते हैं राम काज कीने बिनु मोई कहां विश्राम। ठीक है, आखिरी सवाल, देश का आदर्श विचार क्या है, महात्मा गांधी जी या नाथूराम गोडसे? एक सुनना है सर। बिल्कुल आपने बहुत सही कहा, गांधी का राजनैतिक दर्शन, गांधी का भजन और गांधी का वाक्य ही आदर्श है। गांधी का राजनीतिक दर्शन था राम राज्य, गांधी का अंतिम शब्द था हे राम, गांधी का रोज का भजन था रघुपति राघव राजा राम। नाथूराम गोडसे ने गांधी के शरीर की हत्या की और जिस दिन हलफनामा देके कोर्ट में कहा गया कि राम काल्पनिक थे, उस दिन गांधी की आत्मा की हत्या हुई। ठीक है, अब मैं कुछ सवाल यहां से लेना चाहूंगा। अवधेश जी मेरे साथ है, अवधेश जी पूछिए अपना सवाल। सुधांशु जी, मैं जरा टोन चेंज करता हूं। आपकी पार्टी की ओर से चुनाव के पहले दो बड़े संदेश निकले हैं। कर्नाटक की सरकार ने मुसलमानों का 4% आरक्षण बंद कर दिया, क्योंकि और वहाँ ईश्वरप्पा जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार अगर आएगी तो हम मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा देंगे। दूसरी ओर प्रधानमंत्री जी ने कल कहा, जिसकी चर्चा अभी हुई है, कि भ्रष्टाचारी एक साथ हो रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के पहले एक ओर वोटों का इसी आधार पर लोगों का ध्रुवीकरण चाहती है और दूसरी ओर भ्रष्टाचार के आधार पर राजनीतिक ध्रुवीकरण की ओर देश को ले जाना चाहती है? पहली बात आपने कही तो बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, भारत के संविधान में धार्मिक आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। कोर्ट एक नहीं कई बार स्ट्रक डाउन कर चुका था। कर्नाटक सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोरी के आधार पर मुस्लिम समाज की कुछ जातियों को किया था, तब EWS का रिजर्वेशन का कैटेगरी नहीं थी, अब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की कैटेगरी हो गई तो वो ऑटोमेटिकली उसमें मर्ज हो गए। अब ईश्वरप्पा जी ने ये कहा यदि कि हमारी सरकार आएगी तो मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर हटेगा, तो ये भारत के कई हाई कोर्ट्स का आदेश है कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हट जाना चाहिए। और वैसे मैं आप लोगों के सुलभ संज्ञान के लिए बता देना चाहता हूं, सऊदी अरब में मस्जिदों पे लाउड स्पीकर नहीं है, और सबसे बड़ा दुनिया का मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया, वहां भी मस्जिदों पे लाउड स्पीकर नहीं है। कहावत है ना कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता, मगर यहां जो मुल्ला नहीं है वो प्याज ज्यादा खाता, ये बड़ी समस्या है।
एक सवाल है, आप कहते हैं कि राहुल गांधी ने भारत का अपमान किया, कांग्रेस का यह कहना है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये उसका गलत इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है। देखिए शब्द यह था कि द सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी यूरोप एंड अमेरिका व्हाई दे आर नॉट रिएक्टिंग एंड द मेजॉरिटी ऑफ डेमोक्रेसी हैज फिनिश्ड इन इंडिया, यही वर्ड था ना, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं। अब यह बताइए, जो लोग ये कहते हैं कि बोलने की आज़ादी नहीं है, आज तो डिजिटल डाटा अवेलेबल है, पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध जितने कड़वे घटिया अपशब्दों का प्रयोग, जितने जलवाए जलाल के साथ, पूरे जमाल के साथ कांग्रेस नेताओं ने आके बोले हैं, और अब तो इतना ही नहीं हो गया है, अब तो वो साहब भाजपा नहीं एंकरों को भी धमेड़ देते हैं और फिर कहते हैं बोलने की आज़ादी नहीं, ये कितना यथार्थ के विपरीत है। और दूसरा मुझे दुख इस बात का है, आपको पता है इस देश दुनिया में कितने परसेंट पॉपुलेशन डेमोक्रेसी में है, केवल 30%, जिसमें 16% हम हैं, अगर भारत को हटा दिया सिर्फ 14% है। लुक एट द एंटायर ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न यूरोप से जापान, सिर्फ 3 देशों में सस्टेनेबल कॉन्स्टेंट डेमोक्रेसी है, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ऑस्ट्रेलिया तो एक्सटेंशन ऑफ यूरोप है, जापान में भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, प्योर एब्सोल्यूट कंसिस्टेंट डेमोक्रेसी इन द एंटायर ईस्टर्न हेमिस्फीयर, हमारे डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी हम है भाई, वो कौन होते बोलने वाले। और इनकी आदत यही नहीं है, जब इनकी सरकार थी तब याद करिए भारत के 60 सांसदों ने यूएस सीनेट को लिख के भेजा था कि मोदी जी को वीजा मत दीजिएगा, जबकि मोदी जी ने वीजा के लिए कभी जिंदगी में अप्लाई नहीं किया था। यह क्या था, भारत की संप्रभुता का अपमान, भारत के लोकतंत्र का अपमान, भारत की न्याय व्यवस्था का अपमान कि आप दूसरे देशों में जाके गुहार लगाते हैं। इसलिए हमने कहा यह भारत का अपमान था और यह आपकी फितरत है पहले से लेके और आज तक। ठीक है, अब सुधांशु जी मेरा आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, अब आपको जो भी जवाब देना है वो आपके बगल में प्ले कार्ड एक रखा हुआ है, येस और नो, कैमरा सामने लगा हुआ है, आपको जो एक्सप्लेनेशन दे रहा है वो बाद में दे दीजिएगा, लेकिन पहले येस एंड नो जरूर दीजिएगा। मैं आपसे एक रैपिड फायर कर रहा हूं, बड़ा ठंडा ऑडियंस है, क्या आप तैयार हैं कि नहीं है? और अगर आपको जवाब नहीं देना है तो आप एकदम स्ट्रेट प्ले कार्ड दिखा दीजिएगा यहां पर सुधांशु जी। मेरा पहला सवाल है, मैं आपको जो अपना पहला सवाल वहां उस तरफ मुझे जाने को बताया गया, ये देखिए, अब जरा मैं अपना आपसे पहला सवाल पूछा हूं, जोरदार तालियों, सुधांशु जी आपका कैमरा वो सामने वहां पर है। मेरा पहला सवाल है आपसे, बीजेपी में परिवारवाद नहीं है, जवाब सर यस ओके। आप कह रहे नहीं है, अब एक्सप्लेनेशन कर दूं, एक्सप्लेन अभी करें बात, लेकिन येदुरप्पा के बेटे और हाँ देखिए, परिवारवाद और परिवार के व्यक्ति में होने में क्या अंतर है, किसी नेता का बेटा या बेटी राजनीति में नहीं आएगा या प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, पर पूरी पार्टी की विरासत मेरे बाद मेरे ही परिवार के हाथ में रहेगी, परिवारवाद है। जैसे निशान जी एंकरिंग कर रहे हैं, अब यह नहीं हो सकता इनके परिवार का कोई व्यक्ति पत्रकारिता में नहीं आएगा या TV9 चैनल नहीं ज्वाइन करेगा, पर परिवारवाद यह होता है जब भी मैं इस शो की एंकरिंग छोड़ूंगा तो उसके बाद एंकर कोई मेरे परिवार का बनेगा, यह भाजपा में नहीं है। दूसरा सवाल, हिंदू धर्म ग्रंथों की फिर से समीक्षा होनी चाहिए, हाँ या ना? ओके, नहीं होनी चाहिए, बता दें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसका कारण बता दें, बताइए। देखिए साहब, समीक्षा वो करे जिसके पास समीक्षा लायक बुद्धि हो गई हो, और मैं उदाहरण के एक बात बोलना चाहता हूं, अभी हम नवरात्र के इस पर्व में हैं, नवरात्र का पर्व हमारा चल रहा है, यह बताइए आदि शक्ति स्त्री के रूप में उत्पन्न हुई, मैं चुनौती से कहता हूं दुनिया में कोई उदाहरण बताइए जहां भगवान के केस में स्त्री तत्व को स्थान दिया गया हो, इनिशियल एनर्जी शुरू हुई सिर्फ पुरुष मानी गई, हमारे यहां स्त्री मानी गई है। और मैं एक छोटी सी बात देता हूं युवा पीढ़ी को, शायद ध्यान रहे, आपने कभी ध्यान दिया कि यहां 9 दुर्गा के रूप है, हमारे यहां बहुत सारे देवता हो तो अलग है, दुर्गा में भी 9 रूप है, यानी इट्स लाइक PhD कि एक एक सब्जेक्ट का एक एक एक्सपर्ट है, तो जो लोग ये कहते हैं एक ही है वो KG वाले हैं। अब ये कहना वो हुआ कि KG पढ़ा कोई कहे कि PhD वाले की समीक्षा होनी चाहिए तो मुश्किल है। वैसे मैं एक इंटरेस्टिंग थोड़ा समय लेकर बता दूं, एक लाइन बता दूं, देखिए जैसे ही हमारे यहाँ 9 वर्ष शुरू होता है तो शक्ति की आराधना शुरू होता है, हमारे यहाँ माना गया है कि चैत्र शुक्र प्रतिपदा को सबसे पहले यूनिवर्स क्रिएट हुआ था, यूनिवर्स कैसे क्रिएट होगा, एनर्जी जहां से क्रिएट होगी, तो प्रथम कौन है, शैलपुत्री नेसेंट एनर्जी, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी नाउ द चेस्ट एंड प्योर एनर्जी,
तृतीयम चंद्र घंटे थी, यानी अब वो फुल्ली डेवलप्ड एनर्जी है। चौथी कुष्मांडा अब वो प्रोजनी में भी आ रही है, समझ रहे हैं। पांचवी स्कंद माता, अब उसमें से नए क्रिएशन हो रहे हैं, इसीलिए अंतिम सिद्धदात्री है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी। अब कई लोग बताइए बताएंगे और कहेंगे समीक्षा करो, पहले पढ़ तो लो, परीक्षा दे दो तब समीक्षा करो। लेकिन भागवत जी ने खुद समीक्षा की बात की है, भागवत जी ने खुद समीक्षा की बात की है कुछ ग्रंथों को लेकर। अब एक और बात बता दूं, ये जिसकी तरफ कह रहे हैं, मैं अपने आप वो विषय ले लेता हूं कि साहब रामचरितमानस में फलाने जगह एक लाइन लिखी हुई है और उसका मीनिंग ये हुआ, क्या कहा जाता है, एससी एसटी एंड ओबीसी इस समाज का अपमान है। मान्यवर 1990 में मंडल कमीशन आया, उससे पहले ऑफिशियली सरकार की नजर में कोई ओबीसी नहीं था। 1960 के दशक से पहले ओबीसी वर्ड ही नहीं था, मतलब जो चीज ही 60 साल पहले नहीं थी 600 साल पहले चेम दी जाके। एससी वर्ड 1937 में आया, यानी 85 साल पहले, वो भी 500 साल पहले जाके चिपका दिया। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं वो बात किस संदर्भ में कहां लेकर कैसा एक्सट्रापोलेशन किया जाता है समाज में लड़ाने के लिए। और मैं एक ही बात कह दूं, ज्यादा नहीं, इन लोगों के साथ एसटी दलितों को कहने लगे बाद में, कहां दलित कौन कहने लगा, व्यवस्था थी। अब आप सुनिए, इनको उदाहरण देते हैं, उन्हें उदाहरण देता हूं। शूद्र कौन थे, कौन थे उसी शूद्र को दलित कहने लगे, सुनिए, शेड्यूल ट्राइब करने लगे, शेड्यूल कास्ट कहने लगे, सुनिए। अब शेड्यूल कास्ट के बाद नई कोई भाषा फ्रेंच आएगी इस देश में, तो देखिए भावावेश में बीच में आ गए। अशोक जी एक मिनट, मैं बता देता हूं, जाके किताब पढ़िए डॉक्टर अंबेडकर की, हू वर शूद्रास, चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 3 उन्होंने लिखा है, देयर इज नो कनेक्शन ऑफ मॉडर्न डे शेड्यूल कास्ट विद द वैदिक एज शूद्रास। अब आप उससे ज्यादा बड़े ज्ञानी है तो अलग बात। अच्छा ठीक है।